इतनी खून की कमी जो है, अभी आपको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है, खून की कमी होती है तो सीरीबीज अच्छे से नहीं बनता है, और ऐसे कमजोर सीरीबीज में अगर आप प्रेगनेंसी रखेंगे तो एक तो प्रेगनेंसी रखने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। एक आध बार आपका नसीब अच्छा हो, चलो प्रेगनेंसी रह भी गई, फिर आने वाला बच्चा वीक बहुत आता है, तो पहले 2-3 महीने में ही एबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। ऐसे केसेस में ब्लीडिंग हो जाता है, मिसकैरेज का डर रहता है, क्योंकि स्त्री बीज कमजोर है। एक हर बार हस्बैंड में शुक्राणु कमजोर हो, मोटिलिटी कमजोर हो, उसमें अगर आप प्रेगनेंसी रखवाते हैं तो भी बच्चा कमजोर होता है और मिसकैरेज होने का डर रहता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाता है पेशेंट को विद इन 2-3 मंथ्स में। तो ये सब डरने के लिए, डरना नहीं है आपको इससे, इसके लिए आपको पहले दवाई करनी है। पहले 3 महीने आप हस्बैंड वाइफ दोनों भी प्रॉपरली दवाई कीजिए। ये जो इतना फंगल इन्फेक्शन है बॉडी में, इतना सोरियासिस है आपको, इतना ज़्यादा डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया है, इतना गैस, एसिडिटी, इतना हरस बढ़ गया है, इसमें प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। एक तो इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं रहेगी या फिर आने वाले बच्चा जो एकदम कमज़ोर रहेगा, उसका किडनी, लीवर, ब्रेन बहुत कमज़ोर आता है, तो एक तो डिलीवरी तक के मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस इसमें आते हैं ऐसे केसेस में, या फिर आने वाले बच्चे को फिर जॉन्डिस हो जाए, या फिर किडनी, लीवर, हार्ट के प्रॉब्लम, डिसीजेस लेकर बच्चा आए, जेनेटिक डिसीजेस लेकर आते हैं, वो सब प्रॉब्लम होता है।